और मधुपुर प्रखंड विकास पदाधिकारी के आदेश पर जांच करने पहुंचे सिमरतरी गांव में गोनैया पंचायत के जनप्रतिनिधि राजेश रजवार के ऊपर हुआ हमला। वहीं राजेश रजवार खून से हुए लथपथ, उन्होंने कुंडा थाने में आरोपियों के विरुद्ध लिखित शिकायत दर्ज कराई। गोनैया पंचायत के जनप्रतिनिधि राजेश कुमार रजवार मधुपुर प्रखंड विकास पदाधिकारी के आदेश पर सिमरतरी गांव में लाभुक फिरोज शेख के निर्मित सिंचाई कूप की जांच के लिए पहुंचे थे। उसी वक्त उनके ऊपर हमला हो गया, खून से पूरी तरह वे लथपथ हो गए। उन्होंने लिखित शिकायत में कहा है कि जब जाँच करने के लिए पहुंचे वहाँ पहले से ही मौजूद बबलू ठाकुर, इसरार शेख, ननका शेख समेत तीन चार लोग पहले से मौजूद थे। वे सभी मुझ पर हमला कर दिए, मैं खून से लथपथ होकर गिर गया। साथ ही उन लोगों ने मुझे जाति सूचक गालियां भी दी और जान से मारने की धमकी दी। मेरे गले से चांदी का चेन छीन लिया। तभी वहां कुछ लोग मौजूद थे जिन्होंने मुझे बचाया। मेरा प्राथमिक उपचार अनुमंडल अस्पताल में किया गया। राजेश ने लिखित शिकायत देवघर कुंडा थाने में दी है। फिलहाल पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। स्टेटमेंट लीजिएगा सर, बोलिए हम देते हैं। हाँ चलो हम देते हैं। मनरेगा का जांच था, वो गलत काम कर रहा था मुखिया का पति। हम कंप्लेन कल किए थे, इसीलिए वीडियो ने हमको जांच में भेजा था। हमको चिट्ठी है हमारे पास, हम एक प्रतिनिधि है पंचायत का, पंचायत समिति सदस्य है, वहाँ का सरपंच हम है। और हम जांच जब कराए तो शशि दत्त, वो मुखिया का पति है, वो दबंग आदमी है, वो अस्तूरा लेकर हमारा माथा में मार दिया। पिस्टल था शेखर दास के पास और सुनील दास के पास तो रड था, लेकिन हम हाथ किसी तरह बचा के भागे। बबलू शेख और एक इसराज शेख है और एक ननका शेख की ननका शेख एक मर्डरर आदमी है। ननका शेख एक मर्डरर आदमी है, उस गाय का रेप किया था वो। हम सबको स्थिर से सबका बयान दे देंगे, बयान आप लोग ले लीजिएगा। हमको किसी तरह बचाइए, हमारा बल्लड़ बहुत निकल रहा है। शेखर दास रड से मारा है और एक बबलू ठाकुर है, वो मेरा गला में गमछा लगा दिया था। और एक शेखर सुनील दास जो है वो मेरा उठाक पटक दिया। उसी समय ने एक इसराज शेख है और एक ननका शेख है, ये लोग सब मिलकर ने हमको मारा। हम अकेले थे, बीच बचाव में आया अफसर थे एक, वही पुलिस वाली, वही बीच बचाव किया। तब हम वहाँ से भागे हम और हम डायरेक्ट हम।